Established in 1882. School to some distinguished alumni. Nostalgic for some and informative for many. मैं हूँ टर्बन ट्रिपर और आज हम चलेंगे इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में और जानेंगे कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट लाइफ. स्टे ट्यून्ड. हे गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ द हिडन ट्रेजर्स ऑफ चंडीगढ़. Do check out the first four episodes as well. The link is in the description. Thank you. So, अब चलते हैं चंडीगढ़. चंडीगढ़ के इस पोर्शन को कहते हैं विद्यापथ. The reason is कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पैक PGI एंड यूनिवर्सिटी इसी पथ पे बने थे. पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसके कुछ पोर्शन को गेड़ी रूट भी कहते हैं. गेड़ी रूट जहाँ पे वो गेड़ियाँ मारते हैं. चलो देन एंटर करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी फ्रॉम गेट नंबर 2. ओके, पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट. दिस यूनिवर्सिटी इज स्प्रेड अक्रॉस 550 एकर्स और ये अपने आप में एक शहर है. सेल्फ सफिशिएंट. सो बेसिकली यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में एक मार्केट है जहाँ पे आपको बेसिकली सब कुछ मिलता है. स्टूडेंट्स की ये सेकेंड या थर्ड फेवरेट जगह है. वैसे तो आप समझ होंगे लेकिन फर्स्ट फेवरेट जगह थोड़ी देर में दिखाऊंगा. ओ यस, यहाँ पे इसी कैंपस में गुरुद्वारा, मंदिर, डिस्पेंसरी सब कुछ है. और तो और यहाँ पे एक अंदर अपना इनका रोज़ गार्डन भी है. इतना सुंदर ग्रीन और ब्यूटीफुल कैंपस और इतना बड़ा भी बहुत कम है इंडिया में. और जब तक आप ये ड्राइव एंजॉय करते हैं, लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ द सेकंड फन फैक्ट या फैक्ट. क्या आपने कभी सुना है कि किसी यूनिवर्सिटी का अपना पोस्टल स्टैम्प हो? हियर इज प्रेजेंटिंग टू यू द इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2. हियर इज प्रेजेंटिंग इंडियन स्टैम्प फीचरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1989. नोटिस द स्पेलिंग ऑफ पंजाब, PAN नॉट PUN. और इसी से स्टार्ट होता है हमारा थर्ड फैक्ट. पंजाब यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1882 इन लाहौर इन द अनडिवाइडेड पंजाब. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडियन साइड ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और ऑफिस इन सोलन विद टीचिंग सेंटर्स इन अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर एंड दिल्ली. दिस रेड सैंडस्टोन आर्किटेक्चर वॉज डिजाइन बाय ली कार्बोजियर इन 1956. कमिंग बैक टू द स्टोरी, सिंस इंडिया और पाकिस्तानी पंजाब यूनिवर्सिटी का नेम सेम था, इसीलिए इंडियन साइड का जो स्पेलिंग था वो दैट वॉज चेंज टू PAN. डिड यू नो दिस? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट फैक्ट. यहाँ का एलुमनाई बेस सो डिस्टिंग्विश्ड दैट दे हैव चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री. एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री डॉक्टर मनमोहन सिंह. पद्मभूषण, पद्म विभूषण, मार्कोनी प्राइज विनर प्रोफेसर यशपाल. डिस्टिंग्विश्ड लॉयर एंड एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुषमा स्वराज. म्यूजिक माइस्ट्रो एंड PhD फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन सूफी म्यूजिक सतेंद्र सराज. सिंगर एंड एक्टर पार एक्सीलेंस आयुष्मान खुराना एंड किरण खेर, गुलपनाग, माही गिल, यामी गौतम और ये एंडलेस लिस्ट है. चलो थोड़ी सी ड्राइव एंजॉय करते हैं. ये जो आपने पीछे बिल्डिंग देखी थी दैट वाज द महात्मा गांधी भवन. सामने आर्ट्स डिपार्टमेंट था एंड यहाँ से अगर आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे द फेमस UBS है विच इज़ वन ऑफ टॉप बी स्कूल्स इन द कंट्री. और यहाँ से लेफ्ट साइड में वो है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं या पढ़ रहे हैं. बिफोर गोइंग देयर दिस इज द लॉ डिपार्टमेंट. अब आ जाते हैं फैक्ट नंबर 6 पर. नाउ हर यूनिवर्सिटी की जान होती है उसके स्टूडेंट्स और उसके टीचर्स. सो स्टूडेंट्स कहाँ हैंग आउट करते हैं, दैट इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. पंजाब यूनिवर्सिटी की वो जगह है ये. इसको ये लोग प्यार से स्टूसी भी कहते हैं, स्टूडेंट काउंसिल या स्टूडेंट सेंटर. यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल बैठता है. देश में तो इलेक्शंस प्रॉबेबली 5 साल में एक बार होते हैं. यहाँ पर PU के इलेक्शंस जो है हर साल होते हैं और इट्स एन एक्सट्रावेगेंजा. सो द फेमस 2C और उसकी बिल्डिंग यू जस्ट कैन मिस.
अब कोरोना के टाइम पे यहाँ पे कोई स्टूडेंट तो था नहीं, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ी फील दिला दूँ। ये वही जगह है जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर के ऊपर जाने का रास्ता है और नीचे स्किट्स भी करते हैं बच्चे। सो दिस टेल्स इट ऑल। खाली तो है बट इट सेज फाइट अगेंस्ट कोरोना। वो जगह जहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 6, यहाँ का अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वेल, इस यूनिवर्सिटी में 9 गर्ल्स हॉस्टल और 8 बॉयज़ हॉस्टल हैं और यहाँ 78 डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू अप्लाइड साइंसेज टू आर्ट्स टू म्यूज़िक एंड टू कॉमर्स। अब मैं सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आई एम जस्ट पिकिंग वन डिपार्टमेंट एंड शोइंग यू कि कितना थरो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। चलो देन लेट्स सी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट का एक अलग गार्डन है और इसके अलावा एक 20 एकड़ बड़ा बोटैनिकल गार्डन विच हैज़ क्लोज टू 225 स्पीशीज ऑफ ट्रीज, अ वाटर गार्डन एंड लिली पूल, ऑल्सो अ कैक्टस गार्डन, सॉरी कैक्टस हाउस विच हैज़ 100 स्पीशीज ऑफ कैक्टस। बाई गॉड, ऐसा तो कभी भी नहीं देखा मैंने। और ये है वो लोटस गार्डन, वाओ। इट ऑल्सो हैज लीचीज, बैम्बूज, आई डोंट नो व्हाट नॉट, आई मीन आई कांट इवन लिस्ट आई गेस, ग्रीन हाउस प्लांटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सॉलिड है, सो इफ यू वांट टू रियली स्टडी फ्रॉम दिस प्लेस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया टू स्टडी विद अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओ हाँ, इसकी लाइब्रेरी में मोर देन 6,000 किताबें सिर्फ इस डिपार्टमेंट की, माइंड यू, नॉट यूनिवर्सिटी। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।